मेरा मानना है कि जो भी आज राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कोई भी मतलब फिल्म लाइन में, इवन सिनेमाटोग्राफर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स एक शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक फिल्म फेस्टिवल इज द प्लेस. कोई जब हम छोटे हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम तो पिक्चर जब बनाएंगे तो उसके अंदर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान ही होगा और सबसे बड़ा कोई प्रोड्यूसर बनाएंगे, हम सिल्वर जुबली हिट पिक्चर बनाएंगे, सुपर डुपर जुबली. लेकिन ऐसे होता नहीं. जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू पे योर ड्यूज, दिस इज़ द प्लेस टू पे योर ड्यूज. यहाँ से शुरुआत करो. अगर आपकी फिल्म में दम है तो आपको रिकग्निशन मिलेगा और आगे चल के आप सीखेंगे कुछ और पीपल विल रिकग्नाइज यू. अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है वो भी ठीक है, आप फिर से कोशिश करो. यंग पीपल कैन पिक अप अ कैमरा. पहले मतलब कैमरा इक्विपमेंट और सब हायर करना ही इतना महंगा. टुडे इट्स बिकम मच ईजियर टू मेक अ फिल्म. और अगर वो फिल्म बना के हम बोलेंगे कि हम सिर्फ हमारे दोस्तों को दिखाएंगे, वो भी काफ़ी नहीं है. तो ऐसे फेस्टिवल्स जो शॉर्ट फिल्म्स को मतलब इतना सम्मान देते हैं, इज द बेडरॉक फ्रॉम वेयर अ फिल्म मेकर इज बॉर्न. मतलब जन्म तो यहीं पे हुआ है फिल्म मेकर, या एक्टर भी, या सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, कोई भी आर्ट डायरेक्टर, जो भी, इवन प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल इट इन अ स्मॉल वे. मतलब समझते हैं कि एक 20 मिनट की फिल्म बनाने के लिए कितनी तकलीफें होती है. बिग बजट 3 घंटे की फिल्म या 6-7 एपिसोड की वेब सीरीज को कितनी मेहनत. सो यू स्टार्ट स्मॉल, कोई बुरी बात नहीं उसमें. पहले ही धमाके से मतलब हम एंट्री नहीं कर सकते फिल्म इंडस्ट्री में. और ये मौका है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम छोटी फिल्म बना रहे, ऐसा सोचना है कि हम सबसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे, बिकॉज इट इज़ योर टिकट टू बिगर थिंग्स.